राजधानी में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच रार छिड़ गई है। इस बार रस्सा कसी एक अधिकारी पर की गई कार्रवाई को लेकर है। इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दावा किया गया है कि सीएम की सहमति के बिना ही एलजी ने एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी। सीएम ऑफिस के इस दावे के बाद अब एलजी दफ्तर की तरफ से सफाई जारी की गई है। इसमें कहा गया कि सीएम ऑफिस से जो दावे किए जा रहे हैं वो आधे सच है और आधे झूठ। दरअसल एलजी सचिवालय के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी बयानों के रूप में झूठे और भ्रामक बयानों को जारी किया जाना चौंकाने वाला है। सीएम दफ्तर के दावे को विपरीत अध्यादेश के प्रभाव में आने के बाद पोस्टिंग या ट्रांसफर से संबंधित एक भी फाइल एलजी सचिवालय को नहीं मिली है। एलजी दफ्तर के अधिकारी ने कहा कि जहां तक किसी अधिकारी के निलंबन का मामला है, प्राधिकरण के कानून के मुताबिक इसकी विधिवत सिफारिश की थी। इस बारे में सीएम एनसीसीएसए के अध्यक्ष के रूप में पूरी तरह से अवगत थे। अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा एलजी किसी भी मामले में पिछले और मौजूदा कानून के मुताबिक ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी भी है। उन्होंने आगे कहा कि निलंबन के जिस मामले के बारे में बात की जा रही है वो नियमों के घोर उल्लंघन से संबंधित है। इसमें लोगों को अनुचित लाभ देने की कोशिश की गई है। एलजी दफ्तर की तरफ से सवाल किए गए कि क्या सीएम भ्रष्टाचारियों को बचाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष केजरीवाल ने 20 जून को प्राधिकरण की पहली बैठक बुलाई है। अधिकारियों का कहना है कि प्राधिकरण एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर चर्चा कर सकता है। हालांकि इससे पहले कि एनसीसीएसए की पहली बैठक बुलाई जा सके, ये स्पष्ट हो गया है कि प्राधिकरण और कुछ नहीं बल्कि एक मॉक बॉडी है, क्योंकि सेवाओं से जुड़ी कई प्रस्ताव सीएम द्वारा सीएम और एनसीसीएसए को दरकिनार कर सीधे एलजी को भेजे जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं जब दिल्ली उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तानातानी देखी गई। ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। हाल ही में दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस के उद्घाटन को लेकर पेंच फंस गया था। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक दिन पहले बताया था कि यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन मुख्यमंत्री केजरीवाल करेंगे, लेकिन उपराज्यपाल निवास ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। एलजी निवास की ओर से बताया गया कि एलजी को आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन करना है और सीएम केजरीवाल को इसकी जानकारी थी।